नगर पालिका निगम की बाजार बैठकी के नाम पर लगातार 60-70 वर्षों से किसानों से अवैध वसूली की जाती रही है। विंध्य सब्जी उत्पादक किसान के द्वारा 2019 में बड़ा आंदोलन करके इस अवैध वसूली से सब्जी उत्पादक किसान मुक्त हुए थे। इसके उपलक्ष्य में इसे किसान अपने गौरव दिवस के रूप में बाजार बैठकी वसूली मुक्ति दिवस प्रतिवर्ष 18 अक्टूबर को मनाते हैं, जिसके मुख्य अतिथि सुशील खरे एवं अध्यक्षता जेपी कुशवाहा ने की एवं सभी अतिथि और किसान उपस्थित रहे। हम लोग जो बाजार बैठकी वसूली मुक्ति दिवस, जैसे ये नाम से ही पता चल रहा है कि जैसे कभी यहाँ हमारे यहाँ बाजार बैठकी लगा करती थी, तो आप लोग सब जानते हैं कि हमारे रीवा क्षेत्र में, रीवा ही नहीं पूरे विंध्य में, किसानों से, गरीबों से किसी न किसी रूप से कभी गुंडे वसूला करते थे और कभी कहते हैं हफ्ता टैक्स वसूल होता था। और उसके बाद जब नगर निगम आया तो नगर निगम ने भी अपना वो रवैया बदला नहीं और उसने भी कागजों में बना दिया कि भाई वसूली करनी है, बाजार बैठकी वसूली, तो जिसमें किसानों के लिए तो मुक्त रखा गया था, भारत देश के संविधान में ही है। लेकिन यहाँ जो सामंतवाद है, जो यहाँ का सिस्टम है जबरदस्ती करने वाला, गुंडागर्दी का, वो यहाँ हमेशा से रहा है। तो वही चीज़ इसमें भी लागू होती थी। किसान जो सब्जी लेके, अनाज लेके गांव से या कहीं से मंडी आते थे तो उनसे वसूली जाती थी। नियमानुसार तो कभी नियम तो था ही नहीं, लेकिन कभी लिखा होता था कि 5 रुपये, लेकिन उनसे मारपीट भी की जाती थी, गाली गलौज की जाती थी, तो ये सब उनसे प्रताड़ित थी। तो हम लोगों ने 2019 में एक बड़ा आंदोलन किया, किसानों को इकट्ठा किया, और एक आंदोलन करने के बाद जब उनको हमने हर तरह से प्रशासन को आश्वस्त किया कि ये तो अवैध है, तो फिर उसके पहले भी कई आंदोलन हुए थे लेकिन वो समाप्त नहीं हो रही थी, और 2019 में अंततः ये समाप्त हुई। उसके बाद से हम लोग ये किसानों के गौरव पर्व के रूप में इसको बाजार बैठकी वसूली मुक्ति दिवस को मनाते हैं, और इस दिन हम लोग जो हमारे जो किसान हैं उनका हम सम्मान करते हैं यहाँ पे, इस बाजार बिंदु उत्पादक किसान एंड विक्रेता संघ द्वारा ये हम लोग यहाँ पे उनका सम्मान करते हैं। और अब ये जो आपको जो ये यहाँ लोग किसान दिख रहे थे, ये सिर्फ किसान नहीं है, ये वो जागरूक लोग हैं जो सिर्फ अपनी अब ये बाजार बैठकी वसूली के लिए मात्र नहीं, उनके साथ जितने अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, जितनी तरह की इस तरह के गलत काम हो रहे हैं, हर गलत कामों में ये सब साथ में खड़े होते हैं। तो ये एक किसानों को ही नहीं, हर व्यक्ति को जागरूक करने का एक प्रयास है कि अगर हम, जो हमारे साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, अगर हम उनको सही तरीके से खड़े होते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, तो इससे हमको मुक्ति मिलती है। और यही मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे समाज को, पूरी जनता को कहना चाहता हूँ कि आप लोग किसी चीज़ को ये मत माने कि ये वसूली या ये गुंडागर्दी या ये समस्याएँ तो हमारे यहाँ सदियों से हैं, क्योंकि बहुत सारी समस्याएँ सदियों से रही हैं, तो कोई ना कोई महापुरुष आके आपने देखा है उनका उन्मूलन किए हैं। तो हमारे साथ जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं का भी निराकरण होगा, बस हम पूरे मनोबल के साथ सामने आएं और एक साथ होके आगे चलें। ये हमारा जो किसान संगठन जो बना हुआ है, विंध्य सब्जी उत्पादक किसान संघ, इसके पहले बहुत किसान प्रताड़ित हो रहे थे। मैं खुद प्रताड़ित था, तो मैं जब अपने, हमारा सिलपरा निवास है, मैं उधर से बिछिया, हमारा टोल प्लाजा लगता है, जो टोल टैक्स वसूलने वाले गुंडे रहते थे उनके, वो वहाँ पे रोक करके 5 रुपये, पहले तो 2 रुपये लगता था, 2 रुपये के बाद फिर 5 रुपये, और फिर बोरी के हिसाब से, जैसे मान लीजिए कोई लिया 4 बोरी, तो उसे फिर 5-5 रुपये, मैंने 20 रुपये लगता था। इस तरह से लोग सब प्रताड़ित थे, सभी नाकों से लोग शिकायत करते थे कि भैया इस तरह का वसूली हो रही है, क्या किया जाए। फिर एक संगठन बनाया गया, हमारे अध्यक्ष इंद्रजीत जी हैं और जेपी कुशवाहा जी से, सर जी से हुआ हमारी मुलाकात, तो एक संगठन तैयार हुआ और हम सब लोगों ने मिल करके प्रयास किया, तो धीरे धीरे ये सफलता हम लोगों को मिली और आज ये वसूली बंद हुई है। मैं चाहता हूँ किसानों को कि कहीं भी अगर ऐसी वसूली होती है तो उसको जो है तो आप लोग शिकायत करें, बताएँ, तो इसका निराकरण ज़रूर होगा। जी, आज ये विंध्य उत्पादक किसान संघ द्वारा जो जिस प्रकार यहाँ नगर निगम द्वारा टैक्स वसूला जा रहा था, आज उसके करमुक्त दिवस मनाया जा रहा है, इसके लिए मैं जेपी कुशवाहा जी को धन्यवाद दूंगा कि आपने जो किसानों के हक की लड़ाई लड़ी है,
ये बधाई के पात्र शुभकामनाएं हैं और उसी के उपलक्ष्य में आज कार्यक्रम रखा गया था।